हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम टू एंड द द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट फ्रॉम यस डेफिनेटली ये रिक्रूटमेंट आपका जो ओपन होकर आ रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा बॉडी जो आपको दिख रही है के तरफ से हमारा जो फ्यूल एंड माइनिंग रिसर्च हमारे पास इंस्टीट्यूट आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के तरफ से हमारे पास ये रिक्रूटमेंट ओपन होकर आया है पहले मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं कि ये हमारे पास जो अपलिकेशन है प्योरली हमारे पास वॉक इन बेसिस पर है एंड इसके जो वॉक इन इनकी हमारे पास डेट्स हैं ठीक है ना तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं ये वॉक इन इनकी जो हमारे पास डेट्स मेंशन की गई हैं ये तीन जुलाई चार जुलाई पाँच जुलाई और छः जुलाई को है और इसके लिए आपको प्रॉपरली जो है ना आपका जो सी एस का जो हमारा माइनिंग एंड फ्यूल रिस सेंटर जो है आपका कैंपस जो है बरवा रोड धार धनबाद झारखंड जो है ना वहाँ पर आपको विजिट करना होगा पोस्ट आपकी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट ठीक है ना वन एंड टू एंडियर प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है आपको इसके लिए जो ना सुबह के दस बजे आपको रिपोर्ट करना होगा ठीक है ना अब बात करते हैं हमारे पास क्या हमारे पास एक्चुअली क्वालिफिकेशन मांगी गई है पहला काम इन्होंने मेंशन कर दिया कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ऑल द एंड ऑल द ओरिजिनल पासिंग डिग्री सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल्स आपको लेके जाने इस वॉक इन के लिए ठीक है ना ध्यान रखिएगा मिनिमम ट्वेंटी आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम पचास साल आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आपकी एज होनी चाहिए और मिनिमम ट्वेंटी थर्टी फाइव ईयर प्रोजेक्ट एसोसिएट वन एंड टू के लिए 35 साल मैक्सिमम एज है बाकी के लिए पचास साल है मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर एंड मैक्सिमम फॉर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के आपके लिए होनी चाहिए ठीक है ना एज एजिस्टर आपको जो है ना सिक्योरिटी ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एडवर्टाइजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर आपके पास जो भी मार्कशीट है इंटरव्यू के अंदर में जो भी आपको ले करके जाना है तो इसको अपने साथ आप लेके जाइएगा ठीक है ना कैंडिडेट्स ऑल्सो रिक्वायर टू कैरी द कन्वर्जन फार्मूला आपके पास जो सी जी पी ए का जो आपका सी जी पी आई का जो भी फार्मूला होता है वो आपको कन्वर्जन फार्मूला भी आपको लेकर के जाना है ये ध्यान रखिएगा एलिजिबल कैंडिडेट्स in in uh, जो लोग भी अभी प्री फाइनल ईयर में हैं जिनका भी नहीं हुआ है ठीक है ना आपके पास अगर डिग्री नहीं है सारी मार्कशीट अगर नहीं है तो आप जो है ना इस इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सकते हैं ये मेंशन किया गया है ठीक है ना जो दो हजार तेईस के पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना इसके लिए क्या कर सकते हैं दो हजार तेईस में पास आउट होने वाले चाहे बीटेक हो या एमटेक वो लोग जो है ना इसके लिए

Any in वो आपको किया जाएगा, data of क्या आपको लेकर जाना है मार्क्सटी पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए मार्क्शीट पासिंग डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट भी होना चाहिए पासिंग डिग्री सर्टिफिकेट बी एस सी या डिप्लोमा है आपके पास मार्क्सिट पासिंग डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर्स डिग्री या बी बीटेक अगर आपके पास में कास्ट सर्टिकेट सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट के लिए पोस्ट है ये हमारे, हमारे लिए है नहीं सेकंड जो हमको दिख रही होगी देखिए वो हमारे पास जो पोस्ट आपकी है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास में ठीक है प्रोजेक्ट एसोसिएट फोर्स की है और मंथली स्टाइपेंड एस में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपको दिया जाएगा अगर अगर आपको दिया जाएगा आपके पास में गेट गेटीसी ने तो आपको थर्टी वन थाउजेंड रुपीज आपको पे किया जाएगा अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो ठीक है ना चलिए जी तो यहाँ पर हमारे पास जनरली अगर मैं बात कर रहा हूँ सो दिस इज फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के पोस्ट के लिए आपके पास पोस्ट है और इसके लिए यहाँ पर मैंशन किया जा चुका है कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं ठीक है ना बेटा आपके लिए जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट यहाँ पर सात आपकी वैकेंसीज हैं टोटल वैकेंसी सेवन है आपकी ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा चलो जी अब देखो जरा बात करते हैं तो पहले हमारे पास में जो है आ, आपके पास में जियोलॉजी या से है सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एमएलपी वन सेवन फोर ठीक है ना ऊपर फोर एक्चुअली क्या है सो एम एल पी वन सेवन फोर हमारे पास ये है एम एल पी वन सेवन फोर ट्वेंटी थ्री डेवलपमेंट ऑफ फ्लू एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी एंड स्टडी ऑफ

यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आपके पास इन सभी को मिला करके जो हमारे पास जो पोस्ट रखी गई हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के जो टोटल पोस्ट हमारे पास रखी गई है सेवन पोस्ट हैं ये टोटल पोस्ट हमारे पास सेवन है ठीक है ना ध्यान रखिएगा सेवन पोजिशन हमारे पास में है इसके अंदर में डिफरेंट हमारे पास में पड़े वाली आपके पास टाइटल्स हैं ठीक है आपको सभी को दिख रहा होगा चलो जी और इसके अलावा हमारे पास बाकी हमारे पास जो भी हैं वो हमारे सारे एक्सपीरियंस वालों के लिए हैं जियोलॉजी एंड जियो के लिए तो आप सभी के लिए जो है ये रहने वाला है ये आपके एक अपलीकेशन फॉर्म है जिसको फिलअप करके आपको ले जाना है ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को फिलअप करके ले जाना है जब भी आप वॉक इन के लिए जाएं तो इस फॉर्म को फिलअप करके साथ में ले जाएं बाकी सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे अपने लेकर जाए जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उनको भी आप ले करके जाइए ठीक है ना अगर आप वॉक इनके लिए जा रहे हैं तो ठीक है एड्रेस पर आपको साढ़े दस बजे तक रिपोर्ट करना है चार जुलाई को ओके तो ये आपका अप्लीकेशन फॉर्म है इसको ऑफ फिलअप करके इसका प्रिंटआउट लेकर इसको ऑफ फिलअप करके लेकर के जाए साथ में ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था आपका सी एस आई आर की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से ठीक है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बीबीटेक काम का इंजीनियरिंग सिंपली आप तब भी आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ही आपको स्टेपेंट मिलेगा अगर गेट स्कोर है तो आपका स्टेपेंट बढ़ जाएगा थर्टी वन थाउजेंड आपको मिलेगा ठीक है ना एक साल से छह महीने की पोस्ट अभी बोला जा रहा है लेकिन मैक्सिमम पांच साल तक आपको रखा जा सकता है प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड करता है तो ठीक है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो थैंक यू एंड इस तरह की फर्दर नोटिफिकेशन के लिए ना मेरे टेस्ट में रही है एनकॉन्टेड में रही और फर्दर कोई भी आपका अगर नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो वो आपको मेरे थ्रू आपको पता चलता रहेगा ठीक है सो थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट